हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बारे में। इसमें एलएलएम पार्ट वन एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी किया गया है, साथ में आप लोगों का संशोधित कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है और इसका जो सेंटर है उसे चेंज भी किया गया है। तो आप लोगों को पूरी डिटेल बताने वाले हैं। जो कैंडिडेट एलएलएम का एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए, सबसे पहले आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, आप लोगों को 19 फरवरी को इसका अपडेट दिया गया है कि इसकी एग्जामिनेशन कब ली जाएगी। साथ में इसका सेंटर भी चेंज किया गया है, टाइमिंग भी बता दिया गया है। जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं, दिया गया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा 19 फरवरी 2022 को एलएलएम पार्ट वन परीक्षा 2020 का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और परीक्षा सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। लगभग आप लोगों को 4 घंटों का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक एग्जामिनेशन चलने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का जो परीक्षा केंद्र है उसमें चेंज किया गया है। परीक्षा केंद्र में बदलाव करते हुए अब महादेव सिंह कॉलेज को परीक्षा केंद्र बना दिया गया है। आप लोग एग्जामिनेशन इसी में पढ़ने वाली है। उसके बाद फिर बात करें एग्जामिनेशन की तिथि की, तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, दिनांक 25 फरवरी को पेपर वन लीगल थ्योरी की परीक्षा होगी और 3 मार्च को पेपर टू जुरिसप्रूडेंस और 8 मार्च को पेपर थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द इंडिया एंड इंग्लैंड तथा 12 मार्च को पेपर फोर की एग्जामिनेशन होने वाली है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोगों के एलएलएम पार्ट वन का यही अपडेट यूनिवर्सिटी द्वारा आया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।